फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के। एक बार फिर से मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था, उसके फाइल के बारे में बात कर रहा था, चैप्टर 10 के बारे में। सब ठीक है, बहुत चैप्टर 10 में हम फाइल के बारे में कुछ बताया था, कुछ बताना बाकी था। चलिए अब बारे बारे जानते हैं क्या क्या बताना बाकी था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। कहते हैं फाइल के बारे में क्लोजिंग द फाइल, उसमें क्या लिखा मैंने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज द फाइल आफ्टर आफ्टर रीड और राइट, दिस इज अचीव्ड यूजिंग एफ क्लोज एज फॉलो। मतलब कि कोई सी भी फाइल को रीड करने के बाद या फिर राइट करने के बाद उसको क्लोज कर देना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसको क्लोज कर देना, उसको फिर कंप्यूटर बंद की कोई दिक्कत बात नहीं। तो फाइल को कैसे ओपन करेंगे, फाइल को कैसे क्लोज करेंगे, वो यहाँ पर देखेंगे। अपन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फाइल को एक्सेस किए थे पॉइंटर से एक्सेस कर रहे हैं ओपन करने के लिए वगैरह वगैरह के लिए। एफ क्लोज के लिए भी पॉइंटर ही यूज करना है, एफ क्लोज PTR सेमीकोलन, यही हम यूज़ करने वाले हैं फाइल को क्लोज करने के लिए। दिस विल टेल द कंपाइलर दैट वी आर डन वर्किंग विथ दिस फाइल दिस एसोसिएटेड रिसोर्स कॉल्ड बी फीड। मतलब अब ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा, ये क्या बोलेगा कंपाइलर को कि हम ये जो काम था मैंने कर लिया है, अब इसे बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए राइटिंग टू अ फाइल, वी कैन राइट टू अ फाइल इन वेरी सिंपल मैनर लाइक वी रीड दिस। हम लोग बहुत सिंपल वे में किसी फाइल को क्या करते हैं, राइट कर सकते हैं। और कैसे राइट करेंगे वो आपको नीचे दिया हुआ है, वो देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या लिखा, फाइल मैं फाइल स्टार FPTR इक्वल टू एफ ओपन हैरी TXTW। मतलब कि मैंने FPTR नाम का एक कर लिया था, एफ पॉइंटर नाम का फाइल को यहाँ पे ओपन ओपन किया है। ठीक है, पहले यहाँ पे FPTR और यहाँ FPTR को फाइल को ओपन किया, जिसका नाम क्या था, हैरी डॉट टी एक्स टी। और उसको क्या करना है, राइट करना, उसको क्या करना है, राइट करना। यहाँ समझ आया, यहाँ पर समझ एक और आपको चलिए और बताते हैं। यहाँ पर क्या क्या किया मैंने, क्या फाइल यदि पॉइंटर यूज कर रहा हूँ किसी फाइल के लिए, क्या यूज कर पॉइंटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक देखा FPTR में क्या करेंगे, फाइल को क्या करना, ओपन करना है एफ ओपन। ठीक है, और उसको क्या राइट करना है, फाइल का नाम हैरी TXT। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद इसको और क्या क्या करेंगे, इसमें नंबर ले सकते हैं, इंट नम 432। यहाँ देखिए मैंने राइट किया ना 432, क्या किया 432 को उस वक्त राइट कर दिया। वही राइट करने के बाद आराम से जब भी काम था मैंने काम करने के बाद लास्ट में क्या यूज कर दिया, एफ क्लोज FPTR, उसको यानी कि उसको क्लोज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, काम करने के बाद किसी चीज़ बंद करते हैं, ऐसे तो इसको यहाँ पर बंद कर दिया प्रोग्राम में। ठीक है, अच्छा एफ गेट 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 सी या एफ पुट सी क्या होता है, जैसे मैंने प्रिंट एफ और स्कैनर है ना, उसी तरह एक गेट सी एंड पुट सी होता है। अब जानते हैं गेट सी एंड आउटपुट सी आर यूज टू रीड एंड राइट। गेट सी आउटपुट सी क्या, रीड करने के लिए राइट करने के लिए सी अ कैरेक्टर फॉर्म टू फाइल। मतलब कि कैरेक्टर फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है उसको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए गेट सी आउटपुट सी हम लोग यूज करते हैं। तो FGETC PTR ये क्या काम करता है, यूज टू रीड ए कैरेक्टर फॉर्म फाइल, किसी भी कैरेक्टर को फाइल से रीड करने का काम आता है। FPUTC CPTR यूज टू राइट कैरेक्टर सी फाइल। अब यह क्या एफ पुट सी क्या करता है, राइट करता है कैरेक्टर सी में जो लिखा हुआ है उसको करता है, रीराइट वगैरह करता है। ठीक है, अब एक EOF क्या होता है, इंड फाइल। इंड फाइल क्या होता है, यहाँ देखिए एफ गेट सी रिटर्न EOF व्हेन ऑल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल हैज बीन रीड, सो वी कैन राइट अ चेक लाइक बिलो टू डिटेक्ट द इंड ऑफ द फाइल। ठीक है, अगर मैं जितना फाइल वगैरह था जिसको मैंने रीड कर लिया है, ठीक है, तो उसको हम वहाँ पर एक चेक करने के लिए कि हाँ मैंने इस फाइल को पढ़ लिया है, वहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह थे, कुछ लिखते हैं वगैरह है, उसको क्या कर लिया EOF इंड ऑफ फाइल, फाइल को वहाँ पर कुछ ऐसा मालूम चाहिए कि फाइल है जो ख़त्म हो चुका है। और उसके लिए क्या प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। उसके लिए प्रॉब्लम है, मैंने वाइल ले लिया, वाइल वन CHEOF ब्रेक, इसको बंद करने के बाद इसको जब भी मैंने यहाँ पर लिखना लिख दिया, उसके यहाँ पर मैंने सेव कॉलम से बंद कर दिया। इससे मेरा क्या मालूम चलेगा, इससे मेरा ये मालूम चलेगा कि जो भी मैंने लिखा है वो तो मेरा ख़त्म हो चुका है। और इसे कि इस ये पूरे प्रोग्राम का मतलब क्या है, व्हेन ऑल द कंटेंट ऑफ अ फाइल हैज रीड ब्रेक द लूप। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जब चलेगा तो क्या होगा कि जब मेरा पूरा कंटेंट पढ़ लिया जाए, मैं पूरा कंटेंट क्या कर लिया, रीड कर ले जाएगा, तो ये लूप को अपने आप ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, कि रोक देगा, मतलब कि जिस जो काम था उस काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको पढ़ाया मैंने फाइल आइसोलेस वो पढ़ा दिया है। ठीक है, अब एक चैप्टर और बचा हुआ, ठीक है, लास्ट चैप्टर होगा आपको चैप्टर 11, वो बचा हुआ है, वो पढ़ाऊंगा, फिर आपको आपका प्रॉब्लम हो जाएगा ख़त्म।
फिर करेंगे प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, कुछ प्रोग्राम वगैरह के बारे में बात। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अगले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।